आम आदमी पार्टी का घोनवाल गगनमान नाभा विखे हलका इंचार्ज सरदार गुरदेव सिंह मान के दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके उन्होंने पत्रकारों के साथ गलबात करदे कहा कि पंजाब के लोगों को एक मौका आम आदमी पार्टी को जरूर देना चाहिए क्योंकि अकाली भाजपा और कांग्रेस ने पंजाब को वारी बन के लुटा है। उन्होंने पंजाब दी सियासी पार्टियों को बहस करने की चुनौती देंदे कहा कि रवायती पार्टियां उन्होंने नाल मुद्दे पर बहस कर लैन। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वर्करों के वालों कालिया झंडिया हाथों में फड़ के आम आदमी पार्टी का विरोध किया गया। जिन्हें इतने है साड़ी लोकल लीडरशिप है जरूरी असी इस चीज़ लोगों को उत्साह भरने लिए तुरे हुए हैं क्योंकि 2022 के इस बार बदल लिया 15 साल अकालिया ने राज किया हुण जीरो हो गए आ तो 10 साल कांग्रेस हो गई है। सारे नूं देखे एक मौका आम आदमी पार्टी नूं इस बार दे के देखना पैना भी ये की करते जो साफ सुथरी पंजाब दे लोक पक्षी सरकार बनानी है तो इस बारी आम आदमी पार्टी लियानी बड़ी जरूरी है। मौका आम आदमी पार्टी नूं भी बनना फिर की हो गया कर दूंगे बेचारे नहीं नहीं कोई गल नहीं मैं तो इन्हों कहा थोड़ा रौला उच्ची पाओ भी आवाज नहीं आ रही क्योंकि 20 जने ने बेचारे तो कालिया झंडिया साधु सिंह धर्मसोत का पिछली बार बहुत ज्यादा मैं तरीके पंजाब प्रचार किया सो उन्होंने उस रोस के भेजे होने 20 बंदे बाकी कोई गल नहीं है इन्हों का मैं तो मैं देख के हासा आता स मैं अज इस गल आई हाँ भी नाभे वाले ने यह कहा कि उन्होंने जोड़े एरिए मंत्री आ चोर आ क्योंकि नाभे तो इस गल का कलंक आ। सो इस बार लोगों ने जदों हरा दिता साधु सिंह धर्मसोत नाभे के लोगों ने हरा तो एक चोर मंत्री वजीफे खाने वाले हरा क्योंकि बाकी दूजी पार्टी रहेगी अकाली दल पंजाब खत्म हो चुके इस बार असी बदल लिया पंजाब नूं बचाउण लई इकट्ठे होकर लगे हुए हैं तो आखिरी सह तक लड़ांगे। 2022 दे विच आम आदमी की सरकार बनती है तो पंजाब दे विच उह बदलाव ते चंगी राजनीति पेश की जाऊगी लोगों का जिहड़ी जिंदगी उह सौखी होनी है। देखो जी सारा पंजाब इस टाइम तुहानूं भी पता सारे मीडिया भाईचारे नूं पता भी जिहड़ा पंजाब आ सड़कां उत्ते आ जिहड़ा रोस आ बहुत वध गया क्योंकि लोग अवेयर हो चुके ने। यह अकाली कांग्रेस ही यह ना समझन जिहड़ी पुरानी पॉलिटिक्स है वोटां खरीद लैंदे सी इस बारी लोगों के जमीर जागे हुए ने लोगों के जमीर मरे नहीं हुए तुसीं उन्हां दी जिहड़ी वोट आ दारू उत्ते होर चीज़ां उत्ते लालच दे के नहीं खरीद सकदे। लोग अपने बच्चों लई पंजाब लई बाबे नानक की धरती लई महाराज रणजीत सिंह वर्गा राज बनाउण लई वोट पाउणगे ना कि एक दारू की बोतल लई पाउणगे। सो इह वहम ना पालण अज पंजाब दा बच्चा बच्चा ते बजुर्ग तक सड़कां ते बैठे ने कोई दिल्ली दे बार्डरां बैठा इस चीज की गवाही भरदा भी जड़ियां ना सरकारां दा लुटण वाला जिहड़ा अंत आ गया ते हुण आम आदमी पार्टी 2022 दे विच सरकार बना के पंजाब नूं एक नवी नुहार देगी बदलूगी जिवें दिल्ली दे विच जिहड़ा दिल्ली की नुहार बदली गई है उदां ही असीं एक पंजाब मॉडल पेश करके पंजाब की नुहार बदला। ਹਾਂਜੀ ਬੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਲੀਡਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਹਰ ਹਲਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਣੇ ਨੇ ਬਹਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਾ ਜੱਸੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਰਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਗੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਲੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ 2-4 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਏਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਨਕਲਾਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਰੀ ਸਰਪੰਚ ਲੱਦਾ ਹੈੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ
सर गल ये है जी जिमें कि केजरीवाल नूं आपां देखते रहे हाँ पहला उहदी दोगली नीति पंजाब बारे चाहे वह पानियां दे मुद्दे ते होवे चाहे किसानी दे मुद्दे ते होवे आ हुण बिजली दे मुद्दे ते वो पंजाब दे नाल हमेशा ही दोगली नीति करदा आ रहा है इसे लई असीं उहदा विरोध करिया है क्योंकि पहला जदों पंजाब दे विच आउंदा उदों कहिंदा पंजाब ते पानी ते हक पंजाब दा है उस तों बाद जदों हरियाणे च जांदा उदों कहिंदा वी हरियाणे दा वी हक है हुण दिल्ली गया है दिल्ली जाके कह रहे हैं भी जदों पंजाब दे विच आप दी सरकार बनती है तो असी दिल्ली नूं पानी देवांगे पंजाब चले जाके पंजाब दे लोक विच सोका थोड़ी पाउणा असी साडे पंजाब दे लोक मरवाउणे थोड़ी ने इहदे करके असी विरोध कर रहे हैं बाकी RSS जां BJP दी सैकंड पार्ट बन के इह काम कर रहा है लगातार हुण आपां बिजली दे मुद्दे ते कहीए इह कहिंदा भी कह रहे असी 300 यूनिट आम आदमी पार्टी कह रही है भी असी माफ़ करांगे पर जे 301 हुंदी है तां असी सारे दा बिल लवांगे उस तों वधिया साडी कैप्टन सरकार है जिहड़ी कि 200 यूनिट माफ कर दी है जी 1000 यूनिट भी चल जी तो 200 तो माफ होंगी होना 800 का बिल आता है 300 तो एक आम परिवार की बिल्कुल नॉर्मली तरीके निकल जाती है यूनिट वह फिर माफ़ी थोड़ी है वह एक झमेला हो गया लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली गल होगी उदू बाद नंबर 3 ते गल रही खेती कानूनों की नाले तो खेती कानून सब तो पहले लागू करते उस तो बाद जाके विधानसभा जी ने कापियां पाड़तियां कानूनों दियां सरासर दोगलापन दिखा रहा है असी नहीं चाहते कि साडे पंजाब नूं जां सानू कोई दोगली नीति वाली सरकार मिले आम आदमी पार्टी का जिहड़ा भी लीडर आऊगा असी सारयां दा विरोध करांगे हुण नाभे दे विच तुसीं ला लो देव मान ने अपने जस्सी सूहीवाल जी ने ते इक वरिंदर बिट्टू फिरदा नवां जश लारू वह तिने पार्टी लैन में फिरते हैं इन्होंने मैंने यही समझ आई भी उद्घाटन किहड़े दफ्तर का कर रहे हैं चुमुख चोण दफ्तर का उद्घाटन करता इन्होंने हले टिकट अनाउंस नहीं हुई है तिना का भेड़ पिया होया तो हले भगवंत मान जी का बयान आया कि कहते भी यह तो हले जे हलका इंचार्ज लाए ने टिकट पक्की ना समझ भी टिकट मौके पर दी जाऊगी मैंने ये नहीं पता भी अनमोल गगन अनमोल मान तो कहदे बेस से इन्होंने उद्घाटन करा लिया बाकी कौन है अनमोल गगन मान वो की देना इन्हों की पार्टी को उद्घाटन कर आ रही है की सीनियर लीडर की है वो ना उन्हें कोई इलैक्शन लड़ी ना कुछ होर करे किमें वो तो उद्घाटन ये तो हक ही नहीं बनता जब आप देखते हैं पार्टी के सीनियर नेता करता उद्घाटन जां कोई रसूख वाला बंदा करता की है एक सिंगर है चलो मैं सिंगर भाईचारे की कदर करता पर भी इन्नी नहीं है भी राजनीति करने वाला बंदा जिहड़ा इलैक्शन लड़ चुके पहले तो भी उहदा अनमोल गगन मान दफ्तर का उद्घाटन कर जे आवाजी कम TV नाभा तो पत्रकार तरुण मेहता की रिपोर्ट।